देखिए, आपने देखा कि एक सप्ताह तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में हम लोगों ने आवाज़ उठाई, सदन चलने नहीं दिए। अब सब लोगों ने देखा है, गवाह है। हम लोग कुछ नहीं, इतना ही चाहते थे कि सरकार एक बार मुख्यमंत्री सदन में आकर के खड़े होकर के बता दे उन्होंने कौन सा नियोजन नीति बनाई, क्या नियोजन नीति बनाई, लेकिन उन्होंने बोलने को तैयार नहीं। आखिरी में फिर कार्य मंत्रालय समिति की बैठक हुई है और उसमें उन्होंने कहा कि चलते सत्र में अपने जवाब देंगे। कहने का अर्थ है कि स्वाभाविक है कि भाई जब सत्र भी चल रहा है, हम सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री बिल्कुल छूट रहे हैं कि कौन सा स्थानीय नीति बनाए, क्या नियोजन नीति बनाए, बताना चाहिए। नौजवान आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जब इस प्रकार के भर्म की स्थिति रहेगी तो स्वाभाविक है लड़के आंदोलन करेंगे। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को सामने आकर के बताना चाहिए। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है सदन में, सिर्फ नियोजन के नाम पर सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं और युवाओं को उकसा रहे हैं। प्रत्येक दिन आपने देखा कि शराब घोटालों को लेकर के भी विधायक ने आवाज उठाई, माइनिंग घोटाला कैसे लूट है उसकी भी आवाज़ उठाई, और सबों ने कहा कि भाई आप कम से कम अगर सीबीआई आप जांच नहीं कराना चाहते हैं तो विधानसभा के ही कमेटी बना करके आप जांच कराइए, वो भी तैयार नहीं। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर, किसी पे छुपाव से सारे मुद्दे रोज उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे कैसे, तो आप नहीं वो लोग भी बोल रहे हैं। तो विषय तो विधायक सदन में उठाते हैं, सरकार से जवाब चाहती है, लेकिन सरकार का एक ही जवाब होता है, कभी हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं करेंगे, हम लूटते रहेंगे। सर सवाल ये कि क्या आपको लगता सरकार पूरी चाहे गठबंधन के लोग हैं, क्या वो चुनावी मोड में चले गए हैं क्या, जिस तरह से काम हो रहा है या जिस तरह नहीं, से आप चुनावी मोड में नहीं है, वो लोग सब लूटने के मोड में है और कुछ नहीं। भाई आपने देखा होगा कि भाई जब कई एक विषय चाहे वो क्या कहते हैं, कौन बोला है जो सचिव थी, पूजा सिंह के बारे में ईडी ने भेजा है कि भाई इनके ऊपर एफ आई आर हो। फिर अभी कौन राम पकड़ा है, वीरेंद्र राम उसके बारे में कहा कि भाई एफ आई आर होनी चाहिए, क्यों डर रहे, क्यों आप बचा रहे हैं, एफ आई आर तो करो, फिर मामला कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट देखेंगे। भैया आप तो कुछ नहीं कर रहे, नहीं उन लोगों का कहना है कि ये तो आप ही के कार्यकाल का देन है, पूजा सिंघल या फिर वीरेंद्र राम ने जो लोग कहा कह रहा हूँ कि हमारे काल के कार्यकाल के देन है या कब क्या है, तो उनको एफ आई आर करनी चाहिए, अदालत में सब कुछ फैसला हो जाएगी, फिर उसको डर किस बात की। हम लोगों ने थोड़े कहा है कि आप मत करिए भाई, जाँच हो जाएगी तो यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा, हम लोग तो कह ही रहे कि भाई आप सीबीआई से जांच कराइए। राहुल जी चुनावी मोड में सभी राजनीतिक दल आ चुका है, राहुल गांधी का भी झारखंड दौरा होने जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, इसको दौरा करना चाहिए, कोई क्या बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को दौरा करे, अपनी दल के लिए अपनी बातों को रखते हैं, क्या फर्क पड़ेगा हमारी पार्टी को। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 2024 पूरी तरीके से बदल जाएगा राहुल गांधी के दौरे के बाद। कांग्रेस तो बदल ही गया है पूरी तरह से, अब कांग्रेस छोड़े रहा है, कांग्रेस की क्या हालत है वो राहुल गांधी की आप देख रहे हैं सर। चूंकि कुछ दिन तक मैंने तो कई बार कहा लोगों से, लगता है कि राहुल गांधी जी लगातार जो चुनाव हारे वो विचलित से, और जब लोग जब विचलित हो जाते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, उनको पता नहीं कहाँ हम क्या बोल रहे हैं, यूरोप में जाकर के, लंदन में जाकर के क्या बोला, किसी से छुपा हुआ है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किन को कहा, जिन लोगों ने इस डेमोक्रेसी को 150 साल तक उछला, उसको कह रहा है कि भाई आप भारत में आ रहे हैं, ये तो राहुल गांधी की है। चाइना के बारे में क्या बोल रहे हैं, जिस चाइना ने 1962 में नेहरू जी ने क्या कहा था, हिंदी जी ने बाय बाय,
बाबूलाल जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बोल रहे हैं कि सारे मदरसे बंद होंगे, आप क्या सोचते हैं और आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैंने तो अच्छे बार बार कहता हूँ कि भाई आज के तारीख में बच्चों को युग के अनुसार उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।